हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे इंडिया के 10 रॉयल महलों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। पहले नंबर पे आता है अम्बाविलास पैलेस मैसूर। ये महल हमारे इंडिया के कुछ सबसे खूबसूरत महलों में से एक है। ये पैलेस कर्नाटका की अग्रहरा शहर में है। यह महल सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इस महल में घूमने के लिए भारतीयों को 40 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये लगते हैं। इस महल में 14 हिंदू मंदिर हैं और इस महल की बनावट हिंदू तथा मुगल तरीकों से बनाया गया है। इस महल को साल 1912 में बनाया गया था। यहाँ की दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरे नंबर पे आता है जय विलास पैलेस ग्वालियर। ये महल बहुत खूबसूरत और आलीशान है। ये इंडिया के कुछ फेमस पर्यटक स्थल में से एक है। यहाँ रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। ये पैलेस मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर में है। ये पैलेस साल 1874 में बनाया गया था। इस पैलेस में 400 से भी ज़्यादा कमरे हैं। ये पैलेस इटालियन अंदाज में बनाया गया था। अगर कभी आप यहाँ जाते हो तो आपको यहाँ 100 रुपये देने पड़ेंगे पूरी पैलेस को घूमने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। यह पैलेस गुजरात के वडोदरा शहर में है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये पैलेस इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस पैलेस की बनावट मराठा तथा इंडो सरसेनिक अंदाज में बनाया गया है। ये साल 1890 में बनाया गया था। यहाँ घूमने के लिए आपको 170 रुपये देने पड़ेंगे। और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फिल्में इस पैलेस में शूटिंग किया गया है, जैसे कि ग्रैंड मस्ती और कई सारे हिंदी फिल्में। चौथे नंबर पे आता है सिटी पैलेस उदयपुर। ये हमारे इंडिया के सबसे पुराने महलों में से एक है। ये जितना खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज़्यादा आकर्षित भी है। ये पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर में है। इस पैलेस में घूमने के लिए आपको 150 रुपये और क्रिस्टल गैलरी घूमने के लिए 500 रुपये देने पड़ते हैं। इस महल के अंदर 11 और महल हैं। पाँचवें नंबर पे आता है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। यह पैलेस राजस्थान के जोधपुर शहर में है। आज भी यहाँ के राजघराने के लोग इस पैलेस के अंदर रहते हैं। यह पैलेस 3 भाग में बटा हुआ है। पहले भाग में लग्जरी होटल बनाया गया है। दूसरे भाग में शाही खानदान के लोग रहते हैं और आखिरी भाग में म्यूजियम बनाया गया है। इस पैलेस में काफ़ी पुराना गाड़ियों का शोकेस भी बनाया गया है। छठे नंबर पे आता है हवा महल जयपुर। इस महल के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, ये इंडिया के कुछ लोकप्रिय पर्यटक महलों में से एक है। राजस्थान की जयपुर शहर में ये पैलेस स्थित है। ये महल लाल और सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया है। ये महल साल 1799 को मुगल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। इस महल में 953 खिड़कियाँ हैं। इसे लोग हवा महल भी कहते हैं। हवा महल का मतलब हवा का महल। सातवें नंबर पे आता है जल महल जयपुर। ये महल मानसागर झील के किनारे बसाया गया है। ये महल जयपुर के अंबर फोर्ट में स्थित है। यहाँ राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था सन 1799 को। इस महल के बारे में 5 कहानी मशहूर है, जिनमें से एक कहानी ज़्यादा मशहूर है कि यह महल आधे पानी में डूब जाता है। झील के किनारे बनाया गया है तो यह महल बाकी महलों से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आठवें नंबर पे आता है उज्जैन पैलेस अगरतला। यह महल की नक्काशी और इसकी कारीगरी इसकी अंदरूनी लकड़ी की छत की वजह से पता चलता है। इसकी बनावट हेतु ये महल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये महल त्रिपुरा की अगरतला शहर में है। ये साल 1899 से लेके 1901 में बनाया गया था।
अब इस महल को म्यूजियम बना दिया गया है। ये 250 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। नवे स्थान में आता है द लेक पैलेस उदयपुर। ये महल राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। यह महल खूबसूरत के साथ मन को लुभाने वाला झील के पास ही बनाया गया है। इसे महाराणा जगजीत सिंह दो ने बनाए थे। यह महल 1746 में बनाया गया था। यह अपने आकर्षण स्थल, सर्वोत्तम सुविधाओं और वास्तुकला के कारण भारत के सबसे रोमांटिक होटलों में से एक है। दसवें स्थान पे आता है उदय विलास पैलेस। यह महल हमारे इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित महलों में से एक है। इसे लोग ओबरे होटल भी कहते हैं। इस होटल को उदयपुर की दिल भी कहा जाता है। इसकी शान शौकत की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है।